ओम श्री परमात्मा ने नमः। मैं सीनियर प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम प्रिय गुरुजी प्रातस्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद और पुराण और सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ प्रोफेसर पंडित भगवत रण शुक्ल जी के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरुजी, हम लोग को सांख्य कार्य का को बहुत ही सरल शब्दों में समझा रहे हैं। आज 19वीं अमेरिका को वो समझाएंगे। आत्मा का प्रकरण चल रहा है तो उसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं आदरणीय गुरु जी की ओर। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का सांख्य शास्त्र के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में 19वीं कारिका पर हम लोग विचार कर रहे हैं। कल इस कारिका के तस्माच्च विपर्यासा सिद्धम साक्षित्वमस्य पुरुषस्य इतने और दृष्टत्वम, इतने अंश पर विचार हुआ था। और आज जो विचार हो रहा है, कैवल्यम माध्यस्थम अकर्तृभावश्च, इन पर विचार हो रहा है। अब ये प्रश्न होता है कि ये कैवल्य कैसे उस पुरुष को होता है, कैवल्य के होने का मुख्य कारण क्या है और कैवल्य पदार्थ क्या है, दोनों पर विचार होता है। तो कैवल्य क्या है, त्रैवल्य के विषय में आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि अत्रिगुण्याच्चास्य कैवल्यम। चूंकि यह जो पुरुष है ये त्रिगुणात्मक नहीं है, ये अत्रिगुण्य इस समय है, तो अत्रिगुणत्व होने के कारण इसका कैवल्य हो सकता है, अर्थात इसका कैवल्य सूचित होता है। परंतु प्रश्न होता है कैवल्य है क्या, तो उस पर बताया कि कैवल्य है आत्यंतिक दुख त्रय का अभाव, आत्यंतिक दुख त्रयाभाव कैवल्यम। ये कैवल्य की परिभाषा आचार्य वाचस्पति मिश्र करते हैं। तच्च तस्य स्वाभाविकादेव अत्र त्रिगुण्यात् सुख दुख मोह रहितत्वात् सिद्धम्। और वह कैवल्य उस पुरुष को कैसे सिद्ध होता है, तो वो बताया इन्होंने कि स्वाभाविकात्, स्वाभाविक होने से, स्वभावतः उसका है। क्या स्वभाव है, अत्रिगुण्य ही वो उनका वो स्वभाव है। क्योंकि जहां त्रिगुण रहेंगे तो त्रिगुण होने पर सत्व गुण है तो सुख मिलेगा, रजोगुण है तो दुख मिलेगा, अगर तमोगुण है तो मोह होगा। तो सुख दुख मोह के होने से तीनों प्रकार के जो दुख हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों दुखों का होना निश्चित है, वो रहेंगे ही। तो कैवल्य की सिद्धि नहीं हो सकती, कैवल्य के लिए दुखत्रय का अभाव, और वो भी आत्यंतिक दुखत्रय का अभाव होना आवश्यक है। जब तक आत्यंतिक दुखत्रय का अभाव नहीं होगा तब तक कैवल्य नहीं होगा, और उस कैवल्य के प्राप्ति के लिए अत्रिगुण्य होना जरूरी है। क्योंकि जब अत्रिगुण्य रहेगा तो उसके परिणाम स्वरूप जो सुख है, दुख है, मोह है, उनसे वह पुरुष रहित होगा, और जब रहित होगा तभी वह आत्यंतिक दुखत्रय का अभाव होगा।
अब यद्यपि अभी इसके विषय में आगे चर्चा होगी, जब तक प्रकृति से पुरुष का संबंध है तब तक दुखत्रय का अभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें ऐसी बुद्धि होती, कर्तृत्व बुद्धि स्वतः होने लगती है। दूसरे क्या है कि ये अत्रैगुण्य होने के कारण इसमें माध्यस्थता भी है। कैसी माध्यस्थता है? तो माध्यस्थता ऐसे है, माध्यस्थ का मतलब मध्य तिष्ठति मध्यस्था तस्य भाव माध्यस्थ्यम, मध्य में स्थित होना, क्योंकि अगर रजोगुण है तो उससे दुख होगा, दुख होने से उसको द्वेष भाव होने के कारण वो दुखी होता है व्यक्ति, और सत्वगुण है तो सत्वगुण से उसको सुख है, सुख से उसको तृप्ति होगी, तो अपने को सुखी अहम सुखी अहम दुखी ऐसा अनुभव होगा। और ये जब दुखत्रय तो त्रिगुणत्रय का जहां पर अत्रैगुण्य जो है, तो त्रिगुण होने से ना उसको सुख होगा, तो सुख से भी परे हो गया, दुख से भी परे हो गया, तो मध्यस्थ होगा, न तो सुखी है न तो दुखी है, अर्थात उदासीन। तो इन दोनों से उदासीन भी हम उसको नहीं कह सकते हैं, इसलिए यहां पर उदासीनत्व तो क्या है, सुख दुख राहित ही उदासीन है। सुखी इति सुखे न तृप्यं, दुखी इति दुखं द्विषं मध्यस्थो न भवति, तदुभय रहितस्तु मध्यस्थ इति उदासीनं चाचक्यते। आचार्य वाचस्पति कहते हैं कि सुख और दुख से दोनों से रहित होना आवश्यक, क्योंकि अगर सुख ही है तो सुख से तृप्त होगा, दुखी है तो दुख से द्वेष करता हुआ रहेगा, तो मध्यस्थ नहीं हो सकता है। उन दोनों से रहित होना, सुख से भी रहित हो दुख से भी रहित हो, तो रजोगुण का भी प्रभाव नहीं है, सत्वगुण का भी प्रभाव नहीं है, तो ऐसा होने से उदासीन है। और चूंकि सत्वगुण का भी प्रभाव नहीं है, रजोगुण का भी प्रभाव, तमोगुण का प्रभाव स्वतः नहीं होगा, इति उदास, इसलिए उसको उदासीन कहते। तदुवे रहितस्तु मध्यस्था इति उदासीन इति चाचक्यते, वह दोनों से रहित होने के कारण सुख से भी रहित है दुख से भी रहित है, तो मध्यस्थ होने से यह उदासीन कहा जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि विवेकित्वात् अप्रसधर्मित्वात् च अकर्ता, यह अकर्ता भी कारिका में कहा गया है, दृष्टत्वम अकर्तृभावश्च कैवल्यम माध्यस्थम दृष्टत्वम अकर्तृभावश्च, अर्थात इसमें जो है पुरुष में जितने गुण प्रकृति आदि में है उससे विरुद्ध धर्म इसमें साक्षित्व है, दृष्टित्व है, कैवल्य है, माध्यस्थ है, दृष्टित्व है, अकर्तृभाव। तो अकर्तृभाव क्यों है? क्योंकि ये विवेकी, जब विवेकी का तात्पर्य क्या हुआ, विवेकी का अर्थ होता है जो उत्पन्न होकर के कार्य करने वाला हो, वो अविवेकी हो, और ये विवेकी उत्पन्न होकर कार्य करने वाला नहीं है, ये संभूयकारी ना होने से, अपरिणामी होने से यह अकर्ता हो, इसलिए इसका अकर्तृत्व भी सिद्ध होता है। इस तरह से उस पुरुष में प्रकृति से भिन्न जो गुण हैं उनका पूरा विचार इसमें हुआ, साक्षित्व है, कैवल्य है, माध्यस्थ है, कर्तृत्व है और अकर्तृभाव, इतनी चीजों के। दूसरे इसमें जैसे बताया गया कि गुणत्रय होने के गुण जो है अत्रैगुण होने के कारण इसमें कैवल्य सिद्ध होता है, और अत्रैगुण होने से माध्यस्थ इसमें सिद्ध होता है, और तदुभय रहित होने के कारण ये इसका माध्यस्थ है, और विवेकी होने के कारण अप्रसवधर्मी है, कि किसी को उत्पन्न नहीं करता, न किसी से उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रकृति क्या है, प्रसवधर्मी है, वो मादादि तत्वों को उत्पन्न करती है, किंतु यह जो पुरुष है
ये अप्रसव धर्म किसी को उत्पन्न नहीं करता है कोई से, इसलिए अब इसमें प्रसव धर्मित्व नहीं है, तो ये विवेचन इसका हुआ। आगे इस पर आचार्य वाचस्पति 20वीं कारिका का अवतरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि स्यादेतत् प्रमाणेन कर्तव्यम् अर्थम अवगम्य चेत रोहम चिकीर्षन करोम इति कृति चैतन्ययो सामानाधिकरण्यम अनुभव सिद्धम् तदेतस्विन् मते नावकल्पते चेतनस्य अकर्तृत्वात् कर्तुश्च चैतन्यात् इत्यतः तस्मात्। ठीक है, आपका विवेचन सही है। प्रमाणेन कर्तव्यम अर्थम अवगम्य, प्रमाणों के द्वारा क्या होता है कि जो प्रमाता है वस्तु को ज्ञान करने की, जो यथार्थ ज्ञान करने की, जो यथार्थ ज्ञान करने वाला जो व्यक्ति वो प्रमाता है, वो क्या करता है, प्रमाणों के द्वारा कर्तव्य अर्थ का ज्ञान करता है, कर्तव्य का ज्ञान करता है, कर्तव्य अर्थ होगा में। और क्या अपने अंदर में जो है वो अनुभव करता है, चेतनः अहम् चिकीर्षन करोमि, मैं चेतन हूं, कर्तव्य करने की इच्छा से उसको कर रहा हूं या करने जा रहा हूं, ये उपचार करता है। इस प्रकार उस में कृतित्व भी है और चैतन्य भी है, दोनों चीजें हैं और दोनों का अनुभव देखा जाता है उस पुरुष में। उसमें कृतित्व भी देखा जाता है, जो कृतित्व रहेगा तो आकर्तृत्व कैसे रहेगा, और चैतन्य भी उसमें देखा जाता है। तो कृति और चैतन्य का सामानाधिकरण जो है ये अनुभव में देखा जाता है। तो इस मत में एतस्मिन मते, इस मत में ये आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं जो चेतन है वो अकर्ता रहेगा, क्योंकि अनुभव में देखा रहा चेतना अहम चिकीर्षन करोमि, मैं कार्य को करता हूं, मैं करना चाहता हूं, करने की इच्छा से मैं इस कार्य को करना चाहता हूं। तो कृतित्व भी इसमें है, करोमि से कृतित्व आ गए और चेतना अहम से इसमें जो है वो चेतनत्व आ गए। तो चेतनत्व का कृतित्व का दोनों का सामान अधिकरण हो रहा है और अनुभव से हो रहा है। तो अनुभव कृत वस्तु का अपलाप हम नहीं कर सकते, और आप कहते हैं कि जो चेतन होगा वो कर्ता नहीं होगा, चेतनस्य अकर्तृत्वात् कर्तुश्च अचैतन्य, जो चेतन है वो अकर्ता है, वो कर्ता नहीं हो सकता है, और जो कर्ता प्रकृति है वो अचेतन है। पुरुष जो चेतन है वो अकर्ता है और प्रकृति जो करता है वो अचेतन है। तो ये जो आपका कथन है ये मत से विरुद्ध है, क्योंकि अनुभव में ये नहीं देखा जाता, जो करता है उसी में चेतनत्व का अनुभव होता है, और जिसमें चेतनत्व का अनुभव नहीं होता उसमें कर्तृत्व का अनुभव भी नहीं होता है। हम कार्य करते हैं और ये अनुभव भी करते हैं कि हम चेतन हैं, चेतना हम करोमि कार्यम, हम खादामि, हम गच्छामि, हम लिखामि, हम पठामि, तो ये सब हमको प्रतीति होती है। तो ये कैसे मान ली जाएगी चेतन जो है उसमें कर्तृत्व रहता है और जो करता है उसमें अचैतन्य रहता है, ये दोनों विरुद्ध बातें ये समझ में नहीं आती हैं। इस तरह का जो प्रश्न होता है तो इसमें इस कारिका का जो है अवतरण होता है। बस कैसे सृष्टि की प्रक्रिया प्रकृति के द्वारा होती है पर हम लोग अगले दिन विचार करेंगे, आज यही पर गुरु विराम। धन्यवाद। तो इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सरल शब्दों में पुरुष के विभिन्न अर्थ समझाए कि वो किस तरीके से पुरुष चेतन है और प्रकृति आदि जड़ हैं, तो उनका जो भाव है, परस्पर संबंध है, उसकी व्याख्या की। ईश्वर आपकी सहायता करें, आप प्रसन्न रहें। थैंक यू।